गाइस, आज हम लोग आए हैं यहाँ पे वर्किंग के लिए विद माय सिस्टर एंड ग्रैंडपा। एंड हमारे पीछे एक डॉग है जो कि हमें बहुत देर से फॉलो करता है। तो आई एम टू स्केयर्ड येट बिकॉज ही इज जस्ट फॉलोइंग अस। हेलो गाइस, ये मेरी सिस्टर है। चलिए बहुत सुबह है, ये देखिए बहुत ही फॉगी डे है। गाइस तो बहुत ठंड लग रही है। देखिए आसपास खेत हैं। आपको एक छोटा सा क्रिएचर दिख रहा होगा पीछे जो हमें फॉलो कर रहा है बहुत देर से। तो देखिए कुछ पपीज हैं उधर। गाइस आप देख सकते हैं कि पेड़ों से कितने सारे पानी के ड्रॉप्स गिरे हैं। ये वही फॉग का कमाल है जो कि लीव्स पर जो है वो ट्रैप हो जाता है और बाद में वो ड्रॉप्स बन के गिर जाता है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि ये रोड्स कितनी भीगी भीगी हैं। गाइस अब हम जाने वाले हैं सबसे आगे, तो किसी को नहीं बताना है। एंड हियर वी गो। तो गाइस हम सबसे आगे हो गए हैं। I have to thought it before because my sister is more clever than me. And वो कैमरे का फ़ायदा उठाते हुए पीछे से यहाँ आ गई। Don't worry my sis. यहाँ कभी नहीं दोनों से इस ऐसी जगह पे या तो यहाँ सेंटर पे तोड़ो या तो यहाँ पर रनिंग करो, तब आप रनिंग जो है सुटेबल रहेगा, ना तकलीफ होगा। यहाँ पे दौड़ोगे इस फॉर्म में दौड़ेगा। She's really too much clever. When our grandpa guide us something, she goes forward and move our head. So guys, यहाँ पर एक मोड़ था और हम लोग वहीं से आ रहे हैं। यहाँ पर भी एक ऐसे कर्व्ड मोड़ है, मतलब कि यहाँ पे जो ये पॉइंट की मतलब रोड है वो पूरी कर्व्ड लाइन में कर्व्ड शेप्ड है। ये देखिए जैसे लग रहा है मैं एकदम टिल्टेड हूँ। रोड भी एकदम टिल्टेड है, मतलब ये थोड़ा प्लेन होता जा रहा है। एंड यस हियर वी गो। ठीक है, बहुत सारे क्रोस का झुंड वहाँ पे आता है। बहुत ही सुनसान जगह है जहाँ पे हम लोग इतनी सुबह आ गए हैं। थोड़ी सी मतलब ऐसे ये पूरी कर्व्ड शेप्ड रोड है, तो फिर जैसे जैसे हमारा कोई मोड़ आता है तो जैसे लगता है हम पूरे के पूरे टिल्टेड हो गए।
जो बहुत लोगों के खेत हैं। आई एम थिंकिंग दैट इट इज नॉट विजिबल इन टू मच क्लियरली बिकॉज देयर इज टू मच फॉग। लुक एट द स्काई, दैट्स व्हाई दिस इज टू हार्ड टू वॉक और ड्राइव इन फॉग्स फॉगी। यू कांट आइडेंटिफाई इवन समवन इज कमिंग फ्रॉम देयर बिकॉज देयर इज टू मच फॉग। I feel really too much scared when I saw such type of roads जहाँ पे कोई नहीं है, एकदम सुनसान। हाँ मतलब मैं आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकती कि पीछे से कौन आ रहा है या फिर आगे से कौन आ रहा है। And it's become really too much hard. And any motorbike is coming, so we have to stay at left side of the road. Look at here. यहाँ से एक मोटर बाइक आ रही थी जिसके वजह से मैं पूरा एक लेफ्ट साइड में आ गई। और आपसे मेरे ये निवेदन है, ये मैं आपसे कन्वे कर रही हूँ कि आप कभी भी मतलब मैं आपको जैसे मैं मतलब मेरे ओपिनियन में मैं आपको प्रेफर करती हूँ कि ऐसे फॉगी डे में तो आप ड्राइविंग ना ही करें बिकॉज इट्स बिकम टू मच हार्ड एट दिस टाइम। मेरे दिमाग में भी से यही चलता है कि लास्ट मोड कब आएगा। So guys, someone else is coming from too much speed from motorbike. You can see at the camera. Yeah, it's the scooter. I was wrong. अब किस तरफ चल रहे रानू? इस तरफ से कोई रास्ता नहीं? नहीं, ये दूर चलेगा, नदी किनारे जाएगा। नदी के किनारे जाएगा ये वाला रोड। यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा ब्रेक लिया है क्योंकि हम लोग कंटिन्यूसली चल रहे हैं और मुझे भी एक्सरसाइज करनी है। सब लोग इधर एक्सरसाइज कर रहे हैं। इट्स नॉट सेफ फॉर अस बट अभी ये सुबह का मौसम है तो ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है जिस वजह से हम लोग यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हैं। हम लोग वहाँ पे रुक के थोड़ी सी एक्सरसाइज करती है बिकॉज व्हेन वी आर मूविंग है फॉर एनी जॉगिंग और वॉक वी हैव टू डू एक्सरसाइज फॉर आवर हेल्थ एंड इट हेल्प्स अस टू बिल्ड अ कैपेबिलिटी और अ टेंडेंसी टू मूव फॉरवर्ड अहेड। थोड़ा सा जब वार्म अप हो जाता है चलते चलते कॉन्टिन्यूसली पैर में दर्द भी होने लगता है। चाहे जितनी ठंडी हो पर एनी हाउ वी हैव टू रीच आवर होम। धूप होगी नानू, धूप होगी। उस दिन तो बिल्कुल भी धूप नहीं होती, पूरे दिन ऐसे ही फॉग था। देखिए ये है सरसों, देख सकते हैं सरसों का खेत है। बहुत ही ब्यूटीफुल सीन है यहाँ का। तो गाइस हम लोग यहाँ से थोड़ा सा शॉर्टकट लेने की सोच रहे हैं मगर अभी तक हम लोगों ने शॉर्टकट लिया नहीं है। And someone else is coming from backside. Camera focus.
शायद यहाँ से गुजरने वाले लोगों को पता नहीं है कि उनको कैप्चर किया जा रहा है कैमरा में। दे आर नॉट फैमिलियर अबाउट इट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जला हुआ है कुछ, वो एक मतलब कि विलेज का एक प्रोसेसिंग है जिससे वो अपने क्रॉप्स को रीग्रो कर सकते हैं। अदा हमने ले लिया है शॉर्टकट, मुझे लगता है बहुत डर, क्योंकि ये मेरा चाइल्डहुड फियर है, इस शॉर्टकट से जाना मुझे बहुत ही डर लगता है। यस, मेरे ग्रैंडपा सिस्टर सबसे पहले पहुँच जाते हैं मगर मैं वहीं पर अटकी रहती हूँ। देखिए गाइस, यहाँ पे है एक रेस्ट करने के लिए जगह, ये बहुत ही सुंदर है। आई थिंक ये बोरिंग के लिए बनाई गई है। ये भी बोरिंग भी एक मतलब होता है विलेज का एक प्रोसीजर टू ग्रो क्रॉप्स, तो इसके बारे में ज़्यादा तो नहीं बता सकती। अरे नानू हम नहीं आ पाएंगे। यू गाइस कैन सी हाउ हार्ड इज इट। ओह माय गॉड, रुको नानू। एंड यू कैन सी दैट साइड्स माय चाइल्डहुड फियर। And yet I feel too much scared when I walk on it, and there's too much grasses. You can see, you all can see, guys. ये देखिए इन लोगों को, मेरे ग्रैंडपास को, ये लोग कितना जल्दी जल्दी वहाँ पे जा रहे हैं। एंड आई थिंक कि उन्हें कोई अच्छा रास्ता मिल गया है। एंड आई हैव ऑल्सो टू फॉलो इट। सॉरी एंड यस, हियर इज इट। मैं तो यहाँ से चलूँगी, मैं पैसे नहीं चलूँगी। बट देयर इज टू मच फियर ऑफ स्नेक्स। I even scared when I speak to snake while walking in this road, on this road. अरे यार इन लोगों को डर ही नहीं लग रहा। दीदी आपको डर नहीं लगता? नहीं आई बैगन। देखिए सरसों का पेड़। यहाँ रास्ते पर मुझे बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स मिलते हैं, जैसे कि ग्रासेस, ये काटे वाली ग्रासेस। एंड ये देखिए कितने प्यारे कितने फ्लावर्स हैं यहाँ पे। अगर मैं आपको यही फ्लावर्स दिखाती थी तो मेरी ग्रैंडपास। अरे नहीं, she really likes this adventure, but I can't do it again. देखिए आपको सुनाई दे रहा है भक्ति सॉन्ग्स सुनाई दे रहे होंगे आपको, क्योंकि सुबह सुबह मंदिर में यही सब बजता है। इतनी ब्यूटीफुल सीन है मगर ये फॉगी डेज को ख़राब कर दे रहा है। यू कैन सी द पूफ ऑफ एनी एनिमल
आई थिंक इट्स अ गोट बट इट्स टू मच स्मॉल एंड नानू ने यहाँ से कुछ हटाया स्टिक से। हमारे पास कोई बहुत अच्छा टूल या फिर वेपन तो नहीं है लेकिन नानू के पास है स्टिक जिससे वो सारी कठिनाइयों को ढेर सारे ऑब्स्टेकल्स को हटा दे रहे हैं। एंड हियर वी सी हियर्स अ कार बट आई रियली थॉट दैट समवन हु इज वॉचिंग दिस वीडियो कांट एबल टू सी इट बिकॉज देयर इज टू मच फॉग and we have reached to the yes temple. It's the large it's the last stage or road we have to cross. Move ahead sis, what you are doing? She's just removing the stones from the road, from the path. Someone else is coming but I have to follow this because this road has too much obstacles. Everyone can see. ऐसी रोड पर अगर आपको चलने के लिए कह दिया जाए तो आप चाहे कुछ ही मीटर तक चले आपके पैरों की एक्सरसाइज बहुत हो जाएगी बिकॉज ये बहुत ही हार्ड है स्टफ। मुझे बस इसी बात की खुशी है कि वी आर नियर टू रीच आवर होम्स एंड आई एम डूइंग एफर्ट टू मच। यू कैन सी दिस दिस स्टोन एट माय विलेजेस फ्रॉम मेनी इयर्स दिस रोड इज इवन नॉट रिपेयर्ड एट येट। बहुत सालों से ये रोड ऐसा ही है और अभी तक बिल्कुल भी रिपेयर नहीं हुआ है इसे मुझे बहुत गु़स्सा लगती है बट आई एम थैंकफुल बिकॉज अगर थोड़ा सा भी इस रोड पे चल देते हो तो फिर आपके पैरों की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। आई थिंक दैट सून वी विल रीच टू आवर होम। थोड़ी सी ढंग की अब रोड आई है बीच में बस चल रहा है एंड यू कैन सी एट द साइड्स। देखिए यहाँ पे भी है सरसों के पेड़, यहाँ पे बहुत है सरसों के पेड़। नानो इलेक्ट्रिकल है ये जो लगा है इलेक्ट्रिक वो बहुत खतरनाक होता है। हमने देखा होगा जो खेतों में फेंसिंग्स लगती हैं तो जैसे अगर वो कांटेदार होते तो चल भी जाता है लेकिन अगर किसी जानवर की कोई गलती भी ना हो देयर इज नो फॉल्ट फॉर एनी एनिमल सो ही गेट द इलेक्ट्रिक शॉक। तो यहाँ पे फूली तोड़ती रह जाएंगी। चले आई ऑल्सो वॉन्ट to take some flowers from here because they're too attractive and here we go because my sister oh my god ek flower maine tod diya aur gira bhi diya but I'm thankful that I have two flowers. yahan par is table pe hum pahunch chuke hain आपको एक डर ही रहेगा बिकॉज यहाँ की जो ट्यूबवेल है वो हो गई है गायब इनविजिबल हो गया वो। देखिए नानू ने यहाँ पे इस फेंसिंग में ये चीज़ फंसा दी है इस स्टिक ताकि अगर हम लोग कभी और यहाँ पे आए तो फिर उस स्टिक के यूज़ से हम लोग क्या बोलते हैं एनिमल्स को भगाने के लिए क्योंकि हम तो एनिमल हर्ट करने जाते नहीं हैं हम तो वॉकिंग के लिए जाते हैं तो स्टिक को एनिमल्स को भगाने के लिए यूज करते हैं नॉट फॉर हर्टिंग एनिमल्स। एंड मैंने नानू से मनवा लिया क्योंकि मैं तो ज़्यादा रिलेवेंट हूँ नहीं लेकिन मैंने कह दिया नानू से कि बहुत डर लगता है मुझे
तो हम इस वाले शॉर्टकट से जाएंगे। मेरे पैर थक गए हैं, मैं घर जाके सबसे पहले घर नहीं जाऊंगी। आई होप कि आप कंफ्यूज हो गए होंगे। अरे ओ गाइस, हमें फिर भी ये चलना होगा, ये माय चाइल्डहुड फियर। इसे हम लोग कहते हैं गांव की लैंग्वेज में मेड़। मेड़ मतलब कि दो खेतों के जो डिवीजन में बाउंड्रीज बनी रहती हैं उन्हें हम यहाँ की भाषा में कहते हैं मेड़। एंड थैंकफुल माय गॉड टू माय गॉड प्लेजर कि मुझे और ऊपर नहीं जाना पड़ा, मैं यहीं से शॉर्टकट से आ गई, वरना यहाँ पे तो माय गॉड। एंड हम लोग पहुँचने वाले हैं अपने घर। मेरी दीदी ने फेंक दिया सरसों का फ्लावर और हम लोग आने वाले हैं अपने घर। ये है हमारी काउस का रेजिडेंस जहाँ पे वो रहती हैं। उसका नाम आप जानते हैं मैंने क्या रखा है, पुष्पा, झुकेगा नहीं साला। और इधर हम घर पहुँच गए हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, हमारे ब्लॉग अच्छा लगा, तो नेक्स्ट ब्लॉग पाने के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। बाय गाइज़।